देवास जिले के हरण गांव थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार को आदिवासी महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी अभिषेक मीणा को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाकर जान से मारने के लिए भीड़ ने थाने पर पथराव किया था। साथ ही पुलिस वालों के साथ जुमा झटकी भी की थी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा, पुलिस के साथ की गई जुमा झटकी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था, जिसमें पुलिस द्वारा 7 आरोपी नरेंद्र, सचिन, वंशाराम, रंजीत, गोविंद, बलराम व विरमल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जुलूस निकालते हुए कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इसी प्रकार दुष्कर्म के आरोपी अभिषेक मीणा को भी न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे भी जेल भेज दिया गया। जिले में बलात्कार के आरोपी को लोगों ने जमकर पीटा, आरोपी महिला को धमकाकर उसके साथ रेप कर रहा था, तभी वहां पहुंचे लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पर रस्सी से बांधकर उसे पीटा। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को छुड़ाकर थाने ले आई। पुलिस रात करीब 8 बजे आरोपी युवक को हरण गांव थाने लेकर आई थी, जहां गुस्साए लोग भी थाने पहुंच गए। यहां से पुलिस आरोपी को खातेगांव ले जाने लगी, तभी भीड़ में से कुछ लोगों ने थाने परिसर में हंगामा करते हुए तोड़फोड़ कर दी, थाने के गेट को भी नुकसान पहुंचाया। भीड़ आरोपी को उन्हें सौंपने की मांग कर रही थी। पुलिस ने जैसे तैसे मामले को संभाला। गत दिनों थाना हरण गांव वाले प्रकरण में, जिसमें कुछ लोगों ने सरकारी काम में बाधा और पुलिस के साथ झूमा झटकी की थी, उसमें हमने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हम इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रहे हैं और कुछ आरोपियों के विरुद्ध हम जिला बदर की कार्रवाई और कुछ आरोपियों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई भी करेंगे। और जिनने भी इस तरह की घटना की है, हम वीडियो फुटेज को खंगाल रहे हैं, उन सारे लोगों को हम अरेस्ट करेंगे और उन पर कठोर वैधानिक कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।